चार कंट्री, 17 दिन और बहुत ही ज्यादा टाइट बजट। आपको बताने वाली हूँ मैं इस पूरी वीडियो में कि हमने पूरा ट्रैवल चार कंट्री का कैसे प्लान करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वाला व्लॉग सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। हमने रिसेंटली चार कंट्री ट्रैवल करी है जो कि थी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। और बहुत 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 मजा आया हमें। हमने पूरा का पूरा जो कंट्री थी, जो चार कंट्री थी इनफैक्ट, वी ट्राइड कि जो मेन स्पॉट्स जो होते हैं, जो टूरिस्टिक स्पॉट्स होते हैं वो भी कवर करें, और जो थोड़े से अलग हट के जो स्पॉट्स हैं हमने वो भी ट्राई करे कवर करने के। और हमने अपना जो बजट, अगर मैं आपको सीरियसली आपको बताऊंगी ना कि हमारा पूरी चार कंट्री का बजट क्या था, आपके शायद पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। क्योंकि जब हमने भी उसको समरी करी तो हमें लगा यार चार कंट्री हमने सिर्फ इतना सा ही खर्चा करा है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि आपको मैं बहुत 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 सारी प्रो टिप्स देने वाली हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो चार कंट्री का जो ट्रैवल है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई। इनिशियली मेरे और अरुण का थॉट था कि हम सिर्फ दो कंट्री कवर करेंगे जो कि थी मलेशिया, और मलेशिया के बिल्कुल सटक के जो उसका नेबर है वो था सिंगापुर। ये दो कंट्री जब मैं मैप में भी देख रही थी तो मुझे ना एक और छोटी सी कंट्री नजर आ गई जो कि थी इंडोनेशिया। और जब मैंने प्राइस चेक करे फ्रॉम सिंगापुर टू बाली, क्योंकि बहुत पास में कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, तो उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 6800 रुपीज। तो मुझे लगा यार सिर्फ ऑलमोस्ट 7000 रुपए में एक और अगर कंट्री कवर हो रही है तो कर लेनी चाहिए हमें। तो इसलिए हमारा दो कंट्री से सफर बढ़ा तीन कंट्री में। तो जब हम वो तीन कंट्री की प्लानिंग कर ही रहे थे तो फिर एक और कंट्री मेरे नजर में पड़ी जो की थी थाईलैंड। एक्चुअली हमारा बैंकॉक जाने का कभी भी लॉजिक नहीं था, हमें सिर्फ फुकेत और कराबी जाना था। तो जब मैं बाली टू दिल्ली की फ्लाइट का प्राइस चेक कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने चेक करा बाली टू फुकेत एंड देन फ्रॉम फुकेत टू दिल्ली। तो अगर मैंने एक और कंट्री अपनी बढ़ा ली तो जब मैंने उसका प्राइस चेक करा तो सिर्फ 7 से 7500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे क्योंकि मैंने उसमें फुकेत को, थाईलैंड को एड करा था, और मेरी एक और कंट्री कवर हो जाती। तो मुझे लगा यार 7 से 7500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे तो चलो एक और कंट्री क्यों ना कवर कर ले। तो यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ दो कंट्री से, और धीरे धीरे करती दो कंट्री और हमारी ऐड हो गई। तो ये था हमारा चार कंट्री का सफर साउथ ईस्ट एशिया का, जिसको हमने कवर करा है 17 दिनों। तो हमने चार कंट्री मैप में देख के सोच तो ली, फिर बाद में ये दिमाग चला कि चार कंट्री की प्लानिंग जो है वो कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए हमारे लिए। तो उसके बाद चला हमारा दिमाग और हमने सामने लैपटॉप के रखा स्काई स्कैनर की ऐप। उसमें जब मैं कैलकुलेट कर रही थी कि अगर मैं दिल्ली टू मलेशिया रखती हूँ तो मेरी कितनी कॉस्ट पड़ती है, या फिर अगर मैं कोई और सिटी रखती हूँ इंडिया की मलेशिया जाने के लिए तो क्या कॉस्ट पड़ती है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये मैंने मलेशिया के व्लॉग में भी बताया था, जब मैं दिल्ली टू मलेशिया की फ्लाइट बुक कर रही थी तो उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 13000 रुपए पर पर्सन, और जैसे ही मैंने कोलकाता से उसकी फ्लाइट का प्राइस चेक करा तो वो मुझे पड़ा था 6300 रुपीज पर पर्सन। तो आप देख रहे हो कि कितना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क था। तो एक तो हमने कॉस्ट कटिंग यहाँ पर करी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम दिल्ली टू मलेशिया प्लस सिंगापुर अगर करते एंड देन वापसी फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली करते तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही थी मोटा मोटा 35000। और अगर मैं इंडिविजुअल करती कि दिल्ली टू बाली और दिल्ली टू थाईलैंड, और अगर मैं ये चारों कंट्री इंडिविजुअल की अगर मैं बात करती तो सारी कंट्री का जो कॉस्ट पड़ रहा था वो मुझे पड़ रहा था अप्रोक्सीमेटली 85000। और प्लस ऑब्वियसली मुझे बार बार दिल्ली वापस आना पड़ता, मुझे मतलब फिर से अपना ट्रैवल प्लान करना पड़ता। तो जब मैंने ये चार कंट्री का प्लान बनाया, फर्स्ट वॉज फ्रॉम कोलकाता टू मलेशिया, मलेशिया टू सिंगापुर, सिंगापुर टू बाली, बाली टू फुकेत एंड देन फ्रॉम फुकेत टू दिल्ली बैक, जब मैंने ये चार कंट्री का प्लान बनाया तो इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है सिर्फ 45000 पर पर्सन। तो आप सोच रहे हो कहाँ 85000 और कहाँ 45000। तो 40000 रुपए का हमें यहीं पर ही सीधा सीधा मुनाफा ही मानूंगी मैं तो अपने लिए, कि ये हमें एक प्रॉफिट की डील हमें मिली। इसलिए हमने सोचा कि यार इस सौदे को तो पकड़ लिया जाए और छुट्टी पे जाया जाए। अपनी पूरी कॉस्ट को और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने फिर से कॉम्बिनेशन बनाया कि क्या सीक्वेंस में कंट्रीज आनी चाहिए जिससे हमारा जो पूरा बजट है वो और थोड़ा कम हो जाए। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हमारा जो बेस्ट सीक्वेंस था वो यही निकला, इंडिया टू मलेशिया, सिंगापुर, बाली और उसके बाद थाईलैंड एंड देन बैक टू दिल्ली। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा प्लान निकल गया, और जो कि एक फुल प्रूफ प्लान था कि हाँ भाई यही है और इसी में ही हमारा बजट में हम ट्रैवल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं वीजा प्रोसेस की। तो वीजा प्रोसेस भी हमने इसी सीक्वेंस में करा, जैसे जैसे हम अपनी फ्लाइट बुक करते गए उसी हिसाब से हम अपने वीजा की प्रोसेसिंग भी अप्लाई करते गए। तो सबसे पहली कंट्री थी मलेशिया। मलेशिया के वीजा के बारे में आपको बता देती हूँ। इंडियंस के लिए मलेशिया का वीजा जो है वो ई वीजा है। आपको जो लिंक है ई वीजा का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख जाएगा। आपको उस लिंक पे जाना है और आपको कुछ बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि है आपके रिटर्न फ्लाइट टिकट, कन्फर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, प्लस आपकी होटल रिजर्वेशन। उसके बाद आपका चाहिए पासपोर्ट, चाहिए स्कैन कॉपी, और चौथा जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का वो है आपकी फोटोग्राफ, जिसका साइज है बहुत स्पेसिफिक साइज मेंशन करा है 35 mm to 50 mm। ये चार चीजें आपको सिर्फ अपलोड करनी है और आपको फीस जो है वो पे करनी है 156 ringgit per person, जिसकी आज की डेट में INR में कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 2800 rupees। ये जब आप वहां पर अपलोड कर देंगे यू हैव टू ओनली वेट और आपका जो ई वीजा है वो आपके पोर्टल पे आ जाएगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे सेकेंड टाइम पे भी वीजा नहीं मिला। मेरा दो बार मलेशिया का वीजा रिजेक्ट हुआ और तीसरी बार में जाकर मेरे को इंटरव्यू प्रोसेस में बुलाया गया। उसकी एक प्रॉपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ पर लिंक में दिख जाएगी। जो जो गलतियां हमने करी वो आप प्लीज दोहराना मत, उस वीडियो को जरूर देखना बिफोर अप्लाइंग मलेशिया वीजा। और अब हम बात करते हैं सिंगापुर के वीजा प्रोसेस की। सिंगापुर का वीजा प्रोसेस, आप कोई ई वीजा नहीं है, आपको एजेंट के थ्रू, ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हमने बहुत सारी रिसर्च करी और उसके बाद हमें एक एजेंट मिले जिनकी दिल्ली में बहुत बड़ी शॉप है। अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो आप हमें DM कर देना @vegiewonder। और उन्होंने जो हमसे कॉस्ट ली वो बेस्ट कॉस्ट थी, जो कि थी 2530 rupees per person। और बहुत ही ज्यादा बेसिक से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो कि थे कवर लेटर चाहिए था हमको, बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए थी अगर आप सैलरीड पर्सन है, और एक होता है फॉर्म नंबर 14A, जो आपको आराम से अगर आप गूगल करोगे सिंगापुर वीजा फॉर्म 14A आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट करना है और उसको फिल करके आपको वो सबमिट करना, और साथ में थी फोटोग्राफ जिसका साइज था 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ा फंबल हो गया मेरे से। ये बेसिक से चीजें हैं जो आपको सबमिट करनी है अगर आप वीजा एजेंट के पास जाते हैं फॉर सिंगापुर। और मेरा जो वीजा था वो आई थिंक 4 to 5 working days में आ गया था। एक्चुअली वीजा जो, और आपको पासपोर्ट भी सबमिट करना होता है क्योंकि पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर एम्बेसी चेक करती है। तो पासपोर्ट के ऊपर आपके से स्टैंप लग के नहीं आता, आपको एक अलग से एक पेपर मिलेगा और उस पेपर में लिखा होता है कि हाँ XYZ गगनदीप कौर आपका जो है वीजा लग चुका है। जब आप सिंगापुर जाओगे तब आपकी स्टैंप लगती है उसके ऊपर, वैसे आपकी स्टैंप नहीं लगती थी। अब हम तीसरी कंट्री की बात करते हैं जो कि है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, आप वहां पर जाओ और वीजा ऑन अराइवल के मजे उठाओ। बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंट वहां पर चाहिए होते हैं, जैसे कि एक आपको चाहिए होगा अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी होटल की पूरी कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए होती है उनको, और कभी कभी वो आपसे आपका जो है आइटनरी भी चेक कर लेते हैं कि इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ जाना है। बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है उनकी। और उसके बाद उनकी जो वीजा कॉस्ट है वो है $35 per person। जैसे ही आप जाओगे इमिग्रेशन के पहले आपको वीजा अप्लाई कर देंगे, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देंगे और उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे। हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा था इंडोनेशिया में, क्योंकि हमारे साथ हुआ था स्कैम। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे मांगी थी घूस, तो हमने उसके बारे में भी एक पूरा डिटेल ब्लॉग बना रखा है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो ब्लॉग चेक कर लेना, ताकि आपके साथ वो सेम चीज ना हो। अब लास्ट एंड फाइनल कंट्री है हमारी थाईलैंड। अब उसका बताती हूँ मैं कि वीजा प्रोसेस क्या था। थाईलैंड में जाने के लिए 3 वीजा प्रोसेस है। एक है वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस, दूसरा है ई वीजा ऑन अराइवल जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल भी बोलते हैं, और तीसरा है स्टिकर वीजा जो कि सबसे सस्ता है और बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं फॉर स्टिकर वीजा। स्टिकर वीजा की जो कॉस्ट हमें पड़ी वो पड़ी थी सिर्फ 3000 Indian rupees, बट हमें जाना पड़ा था VFS ग्लोबल के ऑफिस में जो कि दिल्ली में है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में। हमने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है पूरे वीजा प्रोसेस की थाईलैंड के लिए। अगर आप उस वीडियो में जाओगे आपको सब पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कैसे आप अपना वीजा जो है ले सकते हो थाईलैंड का। तो अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग की वीजा के प्रोसेस में। एक हमारी लर्निंग थी जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपके पास थाईलैंड का वीजा है और आपके पास अगर सिंगापुर का वीजा है तो आपको मलेशिया के ई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मलेशिया में वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप मलेशिया जाएंगे और उसके बाद आप सिंगापुर या थाईलैंड जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी पहली कंट्री सिंगापुर या फिर थाईलैंड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मलेशिया में एंटर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से एक प्रो टिप ऑन वीजा। अब हम बात करते हैं आइटिनरी की कंट्री वाइज। तो सबसे पहले कंट्री थी हमारी, वो थी मलेशिया। मलेशिया में थे हम 4 दिन, और 4 दिन की मैं आपको फटाक से आइटिनरी बता देती हूँ। डे 1 पे हमने कवर किया था ट्विन टावर, KLCC का एक्वेरिया, और हमने शाम में देखा था लाइट एंड साउंड शो नियर टू पेट्रोनास। ट्विन टावर होता है, आप वहां पर जाना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। फूड के लिए हम लोग चले गए थे जलन आलोर करके एक जगह है, जहां पर बहुत सारा आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा, मलेशिया का लोकल फूड मिलेगा, वेजिटेरियन भी मिलेगा और नॉन वेजिटेरियन तो भर भर के मिलेगा। ये था हमारा डे 1। डे 2 पे हमने कवर किया था अर्ली मॉर्निंग बाटू केव्स। वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है कार्तिकेयन जी की, वो बहुत ही एक सुंदर सी जगह है। हम वहां पर कैसे पहुंचे, क्योंकि बाटू केव्स जो है वो कुआलालंपुर में नहीं है, कुआलालंपुर से थोड़ी सी दूर एक और जगह है, वहां पर है। तो आपको वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे इकोनॉमिकली जाना है, उसके लिए हमने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है, वो भी आपको उसका लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले था हमारे लिस्ट में बाटू केव्स, फॉलोड बाय पेटलिंग स्ट्रीट जो कि है चाइना टाउन में। पेटलिंग स्ट्रीट बेसिकली एक फूड स्ट्रीट थी चाइना टाउन की, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। अगर आपको लोकल कुजीन फूड खाना है मलेशिया का, तो पेटलिंग स्ट्रीट जो है वो आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस होनी चाहिए। वहां पर आपको बजट में और इकोनॉमिकली फूड खाने को मिल जाएगा, और आपको बहुत अच्छी अच्छी और वराइटीज भी दिखेंगी खाने की और शॉपिंग की भी। उसके बाद हमने शाम में कवर किया था सेंट्रल मार्केट, जो कि इट्स लाइक यू नो सीपी कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर लोकल वेंडर्स आते हैं, अपनी सामान वहाँ पर बेचते हैं, प्लस वहाँ पर एक पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है फूड को लेकर। अगर आपको फिर से कुछ और भूख लगी है, खाना है लोकल खाना है मलेशिया का, तो आप सेंट्रल मार्केट को मत मिस करना। ये था हमारा डे 2। डे 3 पे हम लोग चले गए थे मलक्का। मलक्का बेसिकली बहुत ही प्यारी सी सिटी है मलेशिया की, आप वहां पर जा सकते हैं बस के थ्रू आप जा सकते हैं। बस कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितने की पड़ेगी, वो सारी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कुआलालंपुर से मलक्का कैसे जाना है। हमारा 1 डे का ट्रिप था, हम अप्रॉक्सीमेटली सुबह सुबह 8:30 बजे निकल गए थे, और हमने फिर शाम की हमने बस पकड़ ली थी वहां से मलक्का टू कुआलालंपुर की अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे, जो कि हम 10:30-11 बजे हम अपने घर में बोले तो कुआलालंपुर में वापस आ गए थे। तो इट वॉज अ 1 डे शॉर्ट डे ट्रिप टू मलक्का। 4th डे की अगर मैं बात करूँ, तो हमने कवर किए थे मॉल्स, और हमने कवर किया था KL टावर, जो कि कुआलालंपुर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मॉन्यूमेंट है, जो एक कवर करना ही बनता है। हम ऐसे KL टावर डे 1 पे भी गए थे, बट बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वो KL टावर बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, तो इसलिए हमने उसको कवर करा है 4th डे। KL टावर एक और मार्केट है जिसको बोलते हैं बुकिट बिंटांग, वहां पर आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत कुछ शॉपिंग को मिलेगा, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर की तो भाई शॉपिंग बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स और क्वालिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ शॉप करना हो, कुछ मॉल्स वगैरह देखना हो, तो आप जा सकते हैं बुकिट बिंटांग। उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन है हमारी तरह, या फिर आप वीगन है, या फिर आपको वेज खाना खाना है, मजा आता है आपको वेज खाना खाने में, तो एक मैं आपको मॉनेस्ट्री बताती हूँ जो हमने कवर करी थी। वो एक्चुअली एक मॉनेस्ट्री में एक कैंटीन है, वहां पर सारा का सारा वेज खाना आता है, इट्स नो अनियन नो गार्लिक, पूरा प्रॉपर वीगन फूड होता है। उस मॉनेस्ट्री का नाम है धर्मा रियल गुआन मॉनेस्ट्री, बहुत इजीली अगर आप गूगल करोगे आपको ये मॉनेस्ट्री मिल जाएगी, वहां पर आप जरूर जाना, वो डे टाइम पे खुलती है, 2-3 बजे के बाद वो मॉनेस्ट्री बंद हो जाती है। बहुत ही अमेजिंग खाना था, मतलब इट वॉज लाइक कि हाँ, जैसे हमारे इंडिया के फ्लेवर्स होते हैं ना खाने के, तो आपको वैसे ही फ्लेवर्स मिल जाएंगे इफ यू आर मिसिंग फूड इन मलेशिया। उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी जगह की, जिसको बोलते हैं लिटिल इंडिया, विच इज इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया। लिटिल इंडिया में जाते ही आपको लगेगा कि यार मैं तो फिर से ना तमिलनाडु के किसी शहर में आ गया। इतने सारे वहां पर आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको मंदिर मिलेंगे वहां पर, कि आपका ना मन ही खुश हो जाएगा। तो लिटिल इंडिया एक हमारी रिकमेंडेशन है, अगर आप मलेशिया जाते हैं, अगर आपके पास समय है, तो लिटिल इंडिया जरूर घूम के आना। उसके बाद एक और मस्जिद जामे करके एक मॉस्क है वहां पर, वो बहुत ज्यादा फेमस मॉस्क थी, जो कि एक बहुत ही सुंदर मॉस्क है। उसके बाहर भी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको वो मार्केट
वो एरिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो ये थी हमारी 4 दिन की आइटिनरी ऑफ मलेशिया। अब मैं बात करती हूँ कि आपका पर डे कॉस्ट क्या आएगा। तो ऑन एन एवरेज आपका पर डे कॉस्ट आप मलेशिया में लेकर चलिए मोटा मोटा अराउंड $40 to $50 पर पर्सन। वो भी स्टिल डिपेंड करता है कि आप कितना लैविश तरीके में अपना होटल बुक करते हैं, लैविश तरीके में आप अपना खाना या एरिया, खाने का एरिया बुक करते हैं। हम, मैं और अरुण हमेशा इकोनॉमिकल और बजट में ही ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमारा जो था वो अप्रॉक्सीमेटली $35-40 में हमारा पर डे का खर्चा हो जाता था। और इसके अलावा अगर मैं केएल टावर की बात करूँ एक्टिविटी की, या फिर मैं केएलसीसी एक्वेरिया की बात करूँ, तो मैं ऑलरेडी बुक करा के गई थी इंडिया से ही। एप्लीकेशन है क्लूक, या फिर आप हेड आउट से भी आप बुक करा सकते हो। और वहाँ पर आपको सिर्फ एक पास दिखाना है, आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, एंट्री करते हुए क्यूआर कोड दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। इसका ये फायदा होता है कि आपकी टिकट ऑलरेडी जनरेटेड है, प्री जनरेटेड है, आपको वहां पर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आपको उस पर्टिकुलर जगह में जाकर भी टिकट लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। ऑनलाइन का ये फायदा है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने अभी इसमें आइटनरी के साथ साथ आपको एप्स भी बता दी, जो कि एक मस्ट हैव एप्स है, जो कि है क्लूक, हेड आउट, एक्टिविटी बुकिंग के लिए। अगर आपको ड्राइव, मतलब अगर आपको ओला उबर जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको ड्राइवर चाहिए, तो आप ग्रैब भी डाउनलोड कर लेना। ग्रैब इज सेम लाइक उबर एंड ओला ऑफ इंडिया। आपको टैक्सी बुक करनी है या बाइक बुक करनी है और आपकी जगह पे ही बाइक या टैक्सी आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्स हैं आपको बताने के लिए कि इफ यू आर इन मलेशिया और इफ यू आर इन सिंगापुर, तो ये एप्स का आप यूज कर सकते हो और आपके फोन में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल ट्रांसलेट की। वैसे तो मलेशिया और सिंगापुर में आपको कोई लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर सबको इंग्लिश आती है। बट स्टिल एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जहाँ जिस कंट्री में भी जाएं, उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज की ऐप जो है वो भी अपने गूगल ट्रांसलेट में ऑफलाइन डाउनलोड कर लें। कुछ नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट हम वो ऐप खोल के तो दिखा सकते हैं ना गूगल ट्रांसलेट की, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास इसका जवाब है या नहीं है। तो गूगल ट्रांसलेट करके एक ऐप है, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। एक और मैं आपको स्टे की रिकमेंडेशन दे देती हूँ। मलेशिया में स्टे हमने जहाँ करा था, हमने वो PWTC करके एक मॉल है उसके जस्ट पास में बुक करा था, Airbnb के थ्रू बुक करा था, जिसकी पर डे कॉस्ट थी अराउंड 1600 या 1700 रुपीज। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप केएल सेंट्रल के आसपास ही अपनी होटल या Airbnb लेना, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में, आपको कहीं पर भी जाना है, आपको MRT और क्या बोलते हैं अरुण, MRT LRT, राइट? हाँ, तो आपको MRT या LRT जो है आपको मिल जाएगी अगर आप केएल सेंट्रल अपना स्पॉट बनाते हैं तो। अब हम चलते हैं सिंगापुर की ओर। तो अब है मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगापुर की आइटनरी। सिंगापुर में भी हम 4 दिन ही थे, तो फर्स्ट डे हमने कवर किया था अपना मोस्ट फेमस छांगी एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो प्लीज छांगी एयरपोर्ट ज्यूल्स जो है वो जरूर कवर करना, बहुत सारी एक्टिविटीज है वहां पर करने के लिए। उसके बाद हमने कवर किया था गार्डन बाय द बे, और शाम को हम लोग चले गए थे मरलाइन पार्क, और वहां पर लाइटिंग साउंड शो भी होता है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट डे का पावर पैक पूरी आइटनरी। डे टू में हमने कवर किया था यूनिवर्सल स्टूडियो, और बहुत ही अमेजिंग था यूनिवर्सल स्टूडियो, बहुत सारी राइड्स हैं, उसकी कुछ 6 थीम होती हैं। हम ट्राई करना कि आप सारी की सारी थीम्स कर लो। उसकी बहुत सारी प्रो टिप्स भी हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए, वो अगर आपको जाननी है तो आपको ब्लॉग दिख रहा होगा यहाँ पर, आप प्लीज वहाँ पर जाना। डिटेल में वीडियो बना रखी है यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में। थर्ड डे था हमारा सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड इज बेसिकली जहाँ पर आपको अगर कुछ एक्टिविटीज करनी है, वो एक मैन मेड आइलैंड है, बीच एरिया बना रखा है सिंगापुर ने। अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है जैसे स्काई हेलिक्स वगैरह, आप वहाँ पर सेंटोसा में कर सकते हैं। वैसे सेंटोसा आइलैंड में अपने 3 बीचेस भी हैं। मेरे को सेंटोसा आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप भी सेंटोसा और यूनिवर्सल स्टूडियो मत मिस करना। अब आ जाते हैं सीधा डे नंबर 4 में, क्योंकि हमने बहुत कुछ कवर करना था डे 4 पे। हमने स्टार्ट करा था फोर्ट कैनिंग पार्क से, उसके बाद हम लोग गए थे बुद्धा टूथ रेलिक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो कि चाइना टाउन में है। बहुत ही अमेजिंग टेम्पल था, आप जाओ तो वो टेम्पल भी प्लीज मत मिस करना, क्योंकि बहुत ही सुंदर उसका आर्किटेक्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं लिटिल इंडिया। जैसा मलेशिया में लिटिल इंडिया था, सेम वैसा सिंगापुर में भी लिटिल इंडिया, जहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं तो इंडिया में ही वापस आ गया हूँ। अगर आपको कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा हो, इनफैक्ट अगर आपका गोल गप्पे खाने का मन कर रहा हो, तो आप लिटिल इंडिया चले जाना, आपको बढ़िया से आटे के गोल गप्पे मिलेंगे, बहुत ही टेस्टी।
डोसा, सांबर, इडली, गोलगप्पे, भले पापड़ी सब मिलेगा आपको लिटिल इंडिया में। तो आप लिटिल इंडिया जाना मत भूलना। लिटिल इंडिया में दो बहुत ही फेमस टेम्पल भी थे जो कि थी, एक था मरियम्मा टेम्पल और दूसरा था श्री वीरा काली अम्मन टेम्पल, वो जाना मत भूलना, बहुत ही अच्छा टेम्पल था वो। उसके बाद हम गए थे मुस्तफ़ा सेंटर। मुस्तफ़ा सेंटर जो है वो एक बिल्कुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको कुछ सोविनियर्स खरीदने हैं, चॉकलेट्स खरीदनी है, अपने लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है या टी शर्ट्स वगैरह खरीदने हैं तो आप मुस्तफ़ा सेंटर में जाकर खरीद सकते हैं। शाम में हम लोग गए थे फिर से मरलाइन पार्क, जो वो सिंगापुर का जो वो आइकॉनिक है हाफ फिश एंड हाफ लायन, उसको देखने गए थे क्योंकि डे टाइम पे देखना था। डे वन पे हमने थोड़ा रात में देखा था, बट अब हमें डे टाइम में फोटोग्राफ वगैरह खिंचवानी थी, इसलिए माना था मरलाइन पार्क देन फॉलोड बाय एस्प्लेनेड। ये था हमारा 4 दिन का पावर पैक आइटनरी। अगर आप सिंगापुर प्लान कर रहे हैं तो आप ये आइटनरी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं ऐप्स की बात करूंगी तो सेम ऐप जो मलेशिया में थी वो यहाँ पर आपको सेम चलेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके फूड की तो फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज फूड मिलेगा, वीगन फूड मिलेगा, नो अनियन गार्लिक फूड मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तीसरी मैं बात करती हूं स्टे की, हमारा जो स्टे था वो था क्लैक के करके एक मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल पास में हमने बुक करा था, सर्कुलर रोड करके उस एरिया का नाम है, जो कि मुझे लगा कि बिल्कुल सेंटर ऑफ सिंगापुर है। जैसे हमने मलेशिया में गलती करी थोड़ा सा ऑफ ले लिया था, सिंगापुर में हमने वो गलती नहीं करी। तो आप सर्कुलर रोड के आसपास अपना बीएनबी जो है बुक कर सकते हैं। हमने हॉस्टल बुक करा था, कैप्सूल था बेसिकली, क्योंकि जो जो होटल के रेट थे सिंगापुर में बहुत ज्यादा महंगे थे, क्योंकि एयरबीएनबी जो है वो सिंगापुर में नहीं चलता। हॉस्टल जो हमें पर डे का जो पड़ा था, हम दोनों का, दो बंदों का हॉस्टल था, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 3600 या 3700 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो अगर आपको हॉस्टल आपके बजट में बनता है तो हॉस्टल कर लो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं, आपको होटल बजट में पड़ता है तो आप होटल भी बुक कर सकते हैं। और इसकी भी अगर मैं पर डे की बजट की बात करूं तो आपका सिंगापुर थोड़ा सा कॉस्टली था मलेशिया से, तो आपको पर डे कॉस्ट पड़ेगी मोटा मोटा $60 से $70 आपको ये पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें खाना पीना, 2-3 टाइम का खाना पीना इंक्लूडेड है। हमारा थोड़ा कम लगा था क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, प्लस हमारी हमेशा आदत है मेरी अरुण की कि हम अपने इंडिया से ही खाना प्री पैक्ड फूड जो होता है वो हम लेकर जाते हैं, तो जिससे हमारा 1 टाइम की जो मील है वो कट हो जाती है। तो ये भी एक प्रो टिप है खाने के लिए आपके लिए। तो ये था बहुत ही छोटा सा क्रिस्प सी आइटनरी फॉर सिंगापुर। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी कंट्री की ओर, जो कि है क्या है, जो कि है बाली, बोले तो इंडोनेशिया। तो जी बाली में थे हमारे पास 5 दिन, और वो भी बड़ा कट टू कट 5 दिन थे। 5 दिन में हमने 3 जगहें कवर कर ली। डे वन पे थे हम उलुवातु, जैसे ही हम बाली लैंड करे, बाली एयरपोर्ट से डेनपसार एयरपोर्ट है बाली का एयरपोर्ट, उसके पास हमने जो एक एरिया बुक कराया था वो था उलुवातु करके एक जगह है, हम वहां गए थे। इसीलिए बुक कराया था क्योंकि उलुवातु में, उलुवातु टेम्पल के अंदर एक किचक डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो पूरा डांस फॉर्म में ना रामायण की डिपिक्शन करते हैं अपनी, तो हमने वो मिस नहीं करना था, इसलिए एक दिन के लिए रखा था हमने उलुवातु किचक डांस के लिए। डे टू एंड डे थ्री में हम लोग चले गए थे नूसा पेनिडा। तो बाली से नूसा पेनिडा आप कैसे जा सकते हैं, आप फेरी से जा सकते हैं, जो कि सानूर पोर्ट से फेरी चलती है, और आप राउंड ट्रिप की अपनी फेरी रख सकते हैं, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी एक बंदे की 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया। तो ये आपको कैसे बुक करनी है, कहाँ से बुक कर सकते हैं, कितने दिन पहले आपको ये फेरी जो है बुक करनी है, हमने उसका भी एक डिटेल व्लॉग बनाया है, आप उस व्लॉग में जरूर जाके देखना, आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हाउ टू बुक फेरी फ्रॉम बाली टू नूसा पेनिडा। तो 2 दिन थे हम नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा के भी कुछ कुछ आइकॉनिक पॉइंट्स है, जैसे कि डायमंड बीच है इनकी, थैंक यू। तो एक है डायमंड बीच, दूसरा था किलिंगिन बीच, ब्रोकन बीच, एंजल्स बिलावोंग, क्रिस्टल बे, आतू बीच, ये सारी चीजें थी, थाउजेंड आइलैंड, ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको नूसा पेनिडा में अगर आप जा रहे हो तो 2 दिन तो मतलब आपको लगेंगे ये सारी चीजें कवर करने में, क्योंकि जो एक डायमंड बीच अगर आपके ईस्ट में है तो जो केलिंगन बीच है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, तो इसलिए बहुत फार अपार्ट है वो चीजें, तो स्कूटी चलाते चलाते थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, तो इसलिए 2 दिन आप नूसा पेनिडा में रखना। डे 4 एंड 5 में हम लोग वापस आ गए थे, हम आ गए थे उबुद, और उबुद पूरे मेरे यू नो बाली का बेस्ट पार्ट था, क्योंकि उबुद इज फिल्ड विद यू नो रिच
हेरिटेज, और उबद में बहुत सारा आपको एक रिलीजियस फैक्टर भी मिलेगा, आपको पैलेसेस भी मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट भी मिलेंगे, बहुत कुछ था जो अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं मंकी एक सेल्फी खींच रहा है आपकी राइट बैठे बैठे, तो वो उसको बोलते हैं मंकी फॉरेस्ट जो कि सिर्फ उबद में है। काफी अच्छा था उबद के, दो दिन कैसे बीत गए हमें सीरियसली नहीं पता चला। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप अपना 4-5 दिन का 6 दिन का अगर आप ट्रिप बना रहे हैं तो उबद को प्लीज मिस मत करना। उबद एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप बाली प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है जी, एक और मैं आपको प्रो टिप देना चाहती हूँ इंडोनेशिया में कि बेस्ट रहेगा कि अगर आप दो बंदे हैं तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए, क्योंकि स्कूटी थोड़ा एक तो आपको कॉस्ट कन्वीनियंट रहेगा। स्कूटी का ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको पर डे का रेट बताऊं तो वो पड़ जाएगा आपको इंडियन रुपीज में आराम से 350 से लेकर 450 रुपए के बीच बीच में आपको स्कूटी मिल जानी चाहिए। तो हमने स्कूटी जो थी वो नूसा पेनीडा में भी ली थी और हमने स्कूटी उबुद में भी ली थी, जिससे कि ट्रैवल थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। बट अब एक लेटेस्ट रेगुलेशन आया है कि अगर आपको स्कूटी चलानी है इंडोनेशिया में तो आपके पास IDP होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये होना चाहिए। तो आप अपनी बेस कंट्री जो कि है इंडिया, आप वहां से ऑनलाइन IDP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडोनेशिया में है और आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपके पास अगर वो लाइसेंस नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस, तो आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माना हो जाएगा और वो स्कूटी जो है वो भी जब्त हो जाएगी। तो वो सब अवॉइड करने के लिए IDP इंडिया से ही जरूर अप्लाई करके जाना। ऐप्स सारी वही रहेंगी, ग्रैब वही रहेगी, अकोमोडेशन के लिए, बुकिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए हेड आउट रहेगा और क्लूक रहेगा। पर डे की जो कॉस्ट अगर मैं बोलूंगी तो बाली में आपका लगभग $50 पर पर्सन के हिसाब से आप चलना। अगर आप थोड़ा और लेविश तरीके से खाना खाना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये थी हमारी आइटिनरी, सिंपल सी सटीक सी आइटिनरी फॉर आर इंडोनेशिया, बोले तो बाल। अब हम चलते हैं थाईलैंड की ओर। थाईलैंड में एक्चुअली मेरा और उनका ये थॉट था कि हमें बैंकॉक नहीं जाना है, हमें बीच एरिया में जाना था, इसलिए हमने सिर्फ दो ही जगह हम ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे। तो 3 दिन में हमने कवर करा है फुकेत और करामी। जैसे ही हम जिस दिन लैंड करे उस दिन हमारा था फुकेत, पहुंचते पहुंचते हमें रात के 9-10 बज गए थे, तो उस दिन तो हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमने डे 2 जो था अपना फुकेत का हमने कवर किया, जो कि सारा लोकल एरिया था हमने वो कवर किया। एक फूड स्ट्रीट मार्केट बता देते जिसको बोलते हैं बांग्ला स्ट्रीट, आप वहां पर जा सकते हैं, आपको बहुत ही मजेदार खाना मिल जाएगा। थाईलैंड में भी मतलब फुकेत में भी हमें वेज फूड की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपको वहां पर फ्राइड राइस और फ्राइड नूडल्स, तो वेजिटेरियन फ्राइड राइस एंड फ्राइड नूडल्स तो हर जगह मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत सारे मीठा ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि स्वीट डिशेस जो है वो बहुत यूनिक होती है और बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको वो आराम से मिल जाएंगी। कुछ कुछ चीजें थी जैसे बिग बुद्धा था, पटोंग बीच था, काटा बीच था, ये सारी चीजें थी। बुद्धा स्टैचू करके एक जगह थी जो कि फुकेत में बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें भी हमने स्कूटी हायर कर ली थी एक दिन के लिए और हमने फुकेत ऑन स्कूटी राइट में कवर कर ली थी। सेकेंड जो हमारा थर्ड डे था बेसिकली वो था, हमने कवर किया था, हम चले गए थे जी कराबी। कराबी आइलैंड जाने के लिए हमने बुक, क्योंकि फेरी जाती है फ्रॉम फुकेत टू कराबी, तो उसके लिए हमने एक दिन पहले ही अपने एजेंट वगैरह से कोई अच्छा एजेंट ढूंढ के, तो हमने फुल डे का कराबी का 4 आइलैंड टूर बोलते हैं हमने वो कवर कर लिया था, जिसमें आपका पिकअप फ्रॉम योर होटल, आपका 4 आइलैंड का पूरा ट्रिप, उसमें एक स्नॉकलिंग कवर होती है, प्लस आपका लंच भी कवर होता है, ये सारी चीजें कवर होती है। उसके बाद ड्रॉप भी आपको देते हैं आपके होटल में, तो वो पूरा आपको एक पैकेज सा बन के मिलता है, कोई टेंशन वेंशन नहीं होती है उसमें। तो ये पूरा था 4 आइलैंड ट्रिप फॉर कराबी। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप कराबी में रुक भी सकते हैं एक नाइट के लिए। हमारे पास उतना टाइम नहीं था इसलिए हम कराबी रुके नहीं थे, हमने 1 डे का ही ट्रिप करा था और उसके बाद हम वापस आ गए थे अपने भारत देश वापस। तो ये थी जी हमारी आइटिनरी फॉर 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। थाईलैंड में था कराबी एंड फुकेत। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन अगर हमसे चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं @vegiewonder ऑन इंस्टाग्राम। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पूरी ट्रिप का जो टोटल खर्चा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, हमारा टोटल खर्चा इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, खाना पीना, शॉपिंग और घूमना, फेरी राइड, स्कूटी राइड, ये सारा मिला के था
मात्र 2.3 लाख. इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 2.75 लाख टू 2.80. इतने में हमारा सारा खर्चा हो गया. और 17 दिन के बाद बारे में मैं बात कर रही हूँ, 4 कंट्रीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ और 2 बंदों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इन लेस देन 3 लाख रुपीज हमने 4 कंट्री ट्रैवल कर ली बजट में. और वो भी ऐसे नहीं कि एक एक दिन, दो दो दिन हमने एक एक कंट्री में बताए, 17 दिन का ट्रिप था वो. उसमें से जो सिंगापुर को बोला जाता है कि वो वन ऑफ द बहुत महंगी कंट्री है टू यू नो स्टे, तो उस कंट्री में भी हमने सर्वाइव कर लिया इन लेस देन 3 लाख. तो अगर आपको हमारी आइटिनरी पसंद आए तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा होगा. आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन बता दीजिए कि आपको किस चीज के बारे में हमसे कंसल्ट करना है, एंड देन रिस्पेक्टिवली हम आपको फिर आपके मोबाइल नंबर पे रीच आउट करेंगे. तो ये हमने अभी एक न्यू सर्विस चालू करी है वेजी वॉन्डर ने, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए और हमारी वीडियोज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. और ट्रैवल करना मत भूलना, लाइफ बहुत छोटी सी है मेरे दोस्त, घूमो फिरो ऐश करो और मजे करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना कट टू कट बता सकूं, बट थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं, प्रो टिप भी दे सकूं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना. एक बहुत ही मजेदार, अब एक हम लोकल जगह जाएंगे जो कि दिल्ली के बहुत पास में है, उसकी वीडियो आपको जरूर दिखेगी यहाँ पर. टिल द टाइम सी यू. और हमारा जो ब्लॉग है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं फिर आपको कहीं और, किसी और डेस्टिनेशन में, किसी और सिटी में या फिर कंट्री में. बाय बाय.